नमस्कार, आप सबका अभिनंदन है। हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपका न्यूज 18 के इस मंच पर अभिनंदन है। और देश का माहौल, प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। आपको ये राममय माहौल देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जो माहौल की बात आपने कही है जी, हालांकि आप लोग लगातार माहौल हो ना हो, लेकिन आप लोग माहौल बना के रखते हैं। अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा उसमें खुशी होगी। मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला और आपने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है जी, और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर। 35 साल पुरानी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में कार सेवक हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे।